हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम कर रहे हैं कनाडा में देसी कुकिंग। एंड फॉर दैट आज मैं बना रही हूँ चिकन भुना मसाला, एंड दैट टू विदाउट यूजिंग अ मिक्सर ग्राइंडर। तो मेरे पास है ये चिकन जो मैंने सनीस फूड मार्ट से ख़रीदा है, और ये मैंने लिया है $4.62 का। और मैं सबसे पहले इसको मैरिनेट करूँगी। और ये जो चिकन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ये चिकन इनकी एक पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट होती है, तो इट इज़ ऑलवेज़ प्रेफरेबल कि आप उस चिकन को विद इन द टाइम लाइन्स यूज़ कर लीजिए, क्योंकि ये फ्रेश चिकन है इसीलिए। तो मैं इसकी स्किन फ़िलहाल हटा दूँगी। तो हमने यहाँ पे चिकन को स्किन हटा के क्लीन कर लिया है, और अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी। तो इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, देन इसमें मैं 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, इसमें मैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और साथ ही मैं ऐड करूँगी हल्का सा ज़ीरा पाउडर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ज़ीरा पाउडर है वॉलमार्ट से। वॉलमार्ट की अपनी ब्रांड है ग्रेट वैल्यू, तो इनके जो स्पाइसेस हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और बहुत रीज़नेबल भी होते हैं। तो मैं फ़िलहाल ये यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1/2 से भी कम टीस्पून क्यूमिन पाउडर डालूंगी, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी योगर्ट। तो आपको योगर्ट यहाँ पे इजीली मिल जाता है, और आप किसी भी ब्रांड का योगर्ट यूज़ कर सकते हैं। योगर्ट बेसिकली होता है दही, जो कि जिसमें से पानी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि लोग जनरली दे डोंट हैव टाइम कि वो दही घर पे जमाएं, तो जनरली सब कुछ बाहर से ही आता है, तो हम भी बाहर से ही लेके आते हैं। तो आपको अच्छे से इन सबको मिक्स करना है ताकि चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और हम इसको मैरिनेट करके 20 से 30 मिनट्स के लिए रख देंगे, और उसके बाद हम अपने मसाले की तैयारी कर लेंगे। तो मैंने हाथ से कर दिया है अच्छे से, क्योंकि हाथ से सबसे अच्छे से हो जाता है। बाकी आपके ऊपर है, अगर आप उसको चम्मच से मिक्स करना चाहते हैं चम्मच से मिक्स करिए, हाथ से करना चाहते हैं हाथ से करिए। तो हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है, तो अब हम इसको साइड रख देंगे। यहाँ कनाडा में इस टाइप के बर्नर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है कुकिंग के लिए भी। तो फ़िलहाल मेरे पास जो है ये हीटर कॉइल वाला बर्नर है। ऐसे में इंडक्शन वाले बर्नर्स भी आते हैं, और दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इट्स जस्ट दैट ये वाले जो बर्नर होते हैं वो जल्दी हीट अप होते हैं और जल्दी कूल डाउन होते हैं, और जो इंडक्शन होता है इट टेक्स इट्स ओन टाइम। तो यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट गैस ऑन कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये नंबर्स हैं, तो आप अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ये 5 जो है वो मीडियम के लिए है, बाकी मैक्सिमम हाई के लिए, और मिनिमम हमारा लो के लिए है। तो मैं फ़िलहाल इसको 7 पे सेट कर रही हूँ। और मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लूँगी, मैं अंदाजे से ले रही हूँ। बाकी आप ऑयल अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आपको अपनी रेसिपी में कितना ऑयल चाहिए। ये कैनेला ऑयल है, ये जो कैनेला ऑयल है ये कनाडा का लोकल ऑयल है, ये यहीं बनता है, और ये काफ़ी सस्ता भी मिलता है और काफ़ी हेल्दी होता है। तो मैं यूजुअली अपने खाने में हमेशा कैनेला ऑयल यूज़ करती हूँ। तो हम वेट करेंगे, इसको थोड़ा गर्म होने देंगे, और जब तक ये गर्म होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे खड़े मसाले हैं, ये बे लीव्स हैं जिसको तेज पत्ता कहते हैं हिंदी में, ये हमारी मोटी इलायची है, ये ग्रीन कार्डमम है जिसको आप अपनी चाय में भी यूज़ करते हैं, हमारे पास यहाँ पे 6 क्लोव्स हैं यानी कि लौंग, और हमारे पास ये
दालचीनी है जिसको इंग्लिश में सिनेमन कहते हैं, और मैंने ये थोड़ी सी ली है क्योंकि मुझे सिनेमन का टेस्ट इतना पावरफुल टेस्ट नहीं चाहिए अपने चिकन में, तो मैंने ये थोड़ी ली है। तो अब हम देखेंगे, हमारा तेल गरम हो रहा है, मैं थोड़ी सी गैस और तेज़ कर दी है। तो अब हम अपने तेल में, जो कि गरम हो चुका है, उसमें हम डालेंगे तेज पत्ता, कार्डमम सॉरी सिनेमन, और ये लौंग गई बीच में, ये इलायची। इसको कोशिश करिए कि ओपन करके डालें, नहीं तो इट विल स्टार्ट स्प्लैटरिंग और फिर वो आपके मुंह पे भी पड़ सकता है, तो प्लीज़ इसको खोल कर डालें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं और अब मैं इसको हल्का सा स्टर करूँगी। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे, मैं अराउंड 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ इसमें, ज़ीरे से इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और जब ज़ीरा होता है, पकने लग जाता है, तो वो कुछ साउंड क्रिएट करता है जिससे आपको पता लग जाता है कि आपका ज़ीरा भुन गया है। तो अब हमारे सारे खड़े मसाले हो गए हैं, तो अब इसमें मैं ये ऐड करूँगी 2 मीडियम प्याज जो कि मैंने चॉप कर ली हैं। चॉप इसलिए की हैं क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल मिक्सर ग्राइंडर है नहीं यहाँ पे, मैं रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, तो अभी मिक्सर ग्राइंडर परचेज़ करना बाकी है। लेकिन खड़े प्याज और ऐसे चॉप्ड टमाटर के साथ भी आप इसे बना सकते हैं और ये बहुत टेस्टी बनता है। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे 2 मीडियम प्याज लिए हैं जिसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो इसको हमें ब्राउन होने तक भूनना है। इसको तब तक चलाएंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता, मतलब कंटिन्यूअसली चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीच बीच में इसको चलाते रहिए ताकि ये नीचे ना लग जाए। और फिलहाल ये हल्का सा भुना है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर और गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे ये भी रेडीमेड मिल जाता है, अगर आप चाहें तो फ्रेश बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं डलिया ब्रांड का जिंजर और गार्लिक पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। और इसमें जिंजर पेस्ट जाएगा 1 टीस्पून, मैं एक्चुअली 1.5 प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे जिंजर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और गार्लिक मैं डालूँगी 1 टीस्पून। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और ये मैं ऑलरेडी अपने खाने में जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करती हूँ क्योंकि ये एक्चुअली नियर टू होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट टेस्ट करता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा जिंजर गार्लिक पेस्ट शेल्फ़ लाइफ देखकर यूज़ करिए। मैं कोशिश करती हूँ कि जिसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो वो वाला परचेज़ करूँ क्योंकि उसमें कम प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो साथ साथ अब हम इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 बड़ी ग्रीन चिली ऐड करी है क्योंकि मुझे अपना खाना थोड़ा स्पाइसी पसंद है। तो वैसे बड़ी ग्रीन चिलीज़ ऐड करने का एक रीज़न ये भी है कि वो इतनी तीखी नहीं होती हैं, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ऐड करी है। मेरे पास छोटी ग्रीन चिलीज़ नहीं थी, बट यहाँ पे छोटी ग्रीन चिलीज़ भी इज़िली अवेलेबल होती हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चिकन पसंद है। तो देखिए ये हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो मैं इसको अभी थोड़ी देर और भूनूंगी और उसके बाद हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। तो हमारे प्याज लगभग ब्राउन हो चुके हैं और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। मैं इसमें थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करूंगी क्योंकि हमने नमक अपने चिकन में भी ऐड किया है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। फिर मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून रेड चिली और इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर। फिर मैं ऐड करूंगी इसमें
वन टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, और इसमें मैं बिल्कुल हल्का सा लाइक हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला ऐड करूँगी इसको थोड़ा सा तीखा फ्लेवर देने के लिए। मैं जनरली अपने प्याज के मसाले में स्पाइसेस ऐड करना पसंद करती हूँ क्योंकि आई बिलीव कि उससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टी स्पून क्यूमिन पाउडर, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर। ये भी ग्रेट वैल्यू की तरफ से है और इसका भी अरोमा बहुत अच्छा है, तो मैंने हाफ टी स्पून ऐड किया है। और अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे। हम इसे हल्का सा 20-30 सेकेंड्स भुनने देंगे क्योंकि उससे मसाले भी सारे भुन जाएंगे और उनका जो रॉ टेस्ट है वो चला जाएगा। तो मुझे जो अरोमा आ रहा है उससे आई कैन एस्टिमेट कि जो मसाले हैं वो पक चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपने टमाटर। टमाटर भी मैंने चॉप किए हैं और ये है 3 मीडियम साइज़ के टमाटर जो कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं टमाटो ज़्यादा ऐड करना पसंद करती हूँ क्योंकि उससे हल्का सा टैंगी टेस्ट आ जाता है चिकन में और वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने इसमें अपने टमाटोज ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसको हिला लूँगी और हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक टमाटोज जो हैं अपना ऑयल रिलीज़ करना नहीं शुरू कर देते। टमाटोज और मसाला पकने की जो निशानी होती है वो यही होती है कि टमाटोज जो है ऑयल रिलीज़ करना शुरू करते हैं और आपको जो मसाला है वो साइड से आपको दिखने लग जाता है कि पकना शुरू हो गया है और टमाटोज पूरी तरीके से गल जाते हैं। तो अब मैं इसको ढक के पका लूँगी। तो इन द मीनवाइल हमारा जब तक मसाला तैयार हो रहा है मैं यहाँ पे धनिया चॉप कर रही हूँ। ये कनाडा में सिलेंट्रो के नाम से मिलता है और इंडिया में कोरिएंडर के नाम से मिलता है, तो यहाँ पे इसको सिलेंट्रो बोलते हैं। तो ये ऑलमोस्ट ग्रोसरी स्टोर्स में अवेलेबल है और अगर आपको इन केस ये नहीं मिलता तो आप इसके सब्स्टिट्यूट में पार्सली यूज़ कर सकते हैं। पार्सली जो है ऑलमोस्ट कोरिएंडर जैसा टेस्ट करता है, बट ट्राई कीजिए कि आपको सिलेंट्रो मिल जाए तो आपको वो जो देसी अरोमा होता है ना धनिए का वो आएगा अपने खाने में। अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स हो गए हैं, मैं अपने मसाले को हिला के देख रही हूँ। यहाँ कनाडा में जो टमाटोज हैं वो भी कई तरीके के मिलते हैं। ये जो मैंने यूज़ किया है वो है रोमा टमाटोज और ये जो है दीज आर दी यू नो प्रोसीड ऑफ मैक्सिको और ये ऑलमोस्ट जो इंडियन टमाटर होते हैं उनके जैसे होते हैं। और भी टमाटोज आते हैं जो थोड़े राउंड होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं बट वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं। तो अगर आपको कभी टमाटर की चटनी बनानी है तो आप वो वाले टमाटोज यूज़ करिए, बट फ़िलहाल मैंने रोमा टमाटोज ऐड किए हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारा मसाला भुन रहा है तो अभी हम इसको थोड़ी देर और भुनेंगे। तो एक बार हिलाने के बाद मैं इसको फिर से कवर कर रही हूँ। अभी हम फिर से अपना मसाला खोल के देखेंगे तो अभी भी हल्की सी कसर है इसमें, बट ये फिर भी काफ़ी हद तक भुन गया है और जो अरोमा है वो भी बहुत अच्छी आ रही है। आई होप ये अच्छा बने क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे चिकन बना रही हूँ। तो इंडिया में तो ये लाजवाब टेस्ट करता था, अब देखेंगे यहाँ पे कैसा बनता है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मसाला ऑलमोस्ट भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन जो कि हमने अप्रॉक्सीमेटली 1/2 आवर के लिए साइड रख दिया था और ये मैं ऐड कर रही हूँ।
और आप इसे पूरी मैरिनेशन के साथ ही ऐड करें, क्योंकि जो मैरिनेशन है उसमें भी काफ़ी अच्छे मसाले पड़े हुए हैं और साथ में कर्ड भी है। तो जब ये पूरी तरीके से भुन जाएगा तो जो कर्ड है अपनी हल्की सी क्रीम छोड़ेगी और वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अब मैं इसको मसाले के साथ मिक्स कर रही हूँ। बाकी ये जो चिकन भुना मसाला है ये दो तरीके से बनता है, आप चाहें तो इसको ड्राई रख सकते हैं और चाहे तो इसको ग्रेवी के साथ बना सकते हैं। मैं इसको सेमी ग्रेवी बनाऊंगी क्योंकि मुझे इसे परांठों के साथ खाना है, और अगर आप इसे चावल के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसको ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं। तो अभी हमने चिकन हमारा मसाले के साथ मिक्स कर दिया है और इसे हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि पूरा जो चिकन है वो कवर हो जाए हमारे भुने हुए मसाले के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि चिकन ऑलमोस्ट कवर हो गया है, और अब हम इसको ढक के फिर से पका लेंगे ताकि जो मैरिनेशन है उसके साथ जो चिकन हमने डाला है वो मसाले के साथ जो है पक जाए और हमारा चिकन पक के रेडी हो जाए। तो अब हम इसको ढक देंगे। तो मैंने इसको बीच में दो तीन बार खोल के देखा था और हिलाया था, और नाउ एज आई कैन सी ये ऑलमोस्ट पक गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और जब हमने चिकन का मसाला भूना था तो उस टाइम पे अराउंड 5-10 मिनट्स के लिए उस मसाले को भूना था, और क्योंकि यहाँ पे टमाटर जल्दी गल जाते हैं तो मसाला जो है वो बहुत जल्दी भुन गया था। और आप लोगों को यहाँ पे इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इसको ग्रेवी वाला नहीं बना रहे हैं, क्योंकि जो आपने मैरिनेशन किया था कर्ड के साथ, कर्ड ने ऑलरेडी अपना काफ़ी पानी रिलीज़ किया है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये सेमी ग्रेवी बन गई है। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है और हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट पक गया है। तो मैं इसको 2-3 मिनट के लिए और ढक के रखूँगी एंड हमारा चिकन विल बी ऑलमोस्ट रेडी। तो हम क्विकली इसको फिर से ढक देते हैं 2-3 मिनट के लिए। तो 2-3 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन ऑलमोस्ट पक गया है, और अब मैं इसमें वाटर ऐड नहीं करूँगी। अगर आपको इसे ग्रेवी वाला बनाना है तो आप इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके और एक विसल दिला लीजिए और आपका जो ग्रेवी वाला चिकन है वो तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा चिकन पक गया है, क्योंकि ये ब्रॉयलर चिकन था तो इसलिए बहुत जल्दी बन गया है। आपको इसको तब तक पकाना है डिपेंडिंग ऑन आपका चिकन कब तक गल जाता है। तो हमारा चिकन तैयार है और अब मैं इसमें गार्निशिंग के लिए ऊपर से डालूंगी धनिया। और हाँ, आपको इसमें ऊपर से गरम मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने मसाले में गरम मसाला ऐड कर दिया था, और अगर आप इसमें और गरम मसाला ऐड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसमें गरम मसाला ऐड करिए, बट मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि ये ऑलरेडी परफेक्टली स्पाइसी है जितना मैं खाती हूँ। और हम हमेशा धनिया जो है गैस बंद करके ऑन इसमें डालेंगे, क्योंकि उससे जो धनिया का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। और मैंने इसको मिक्स कर दिया है, और जैसे कि आप देख सकते हैं हम इसको सर्विंग बोल में निकाल लेंगे और ये चिकन बिल्कुल पककर रेडी हो गया है। और अब मैं इसको खाऊंगी नान के साथ। हाँ तो आई जस्ट क्विकली वॉन्ट टू शो यू पीपल कि यहाँ पे नान का जो कंसेप्ट है वो क्या है अगर आपको रेडी टू ईट चाहिए। तो ये क्रिस्पी कंपनी के नान हैं जो कि ऑलमोस्ट रेडी टू ईट हैं, और इन्हें मैं हैंडी रखती हूँ क्योंकि कभी कभी टाइम नहीं होता रोटी बनाने का, तो ये ऑलमोस्ट पके हुए होते हैं। बाकी आप जिस भी तरीके से इसको खाना चाहें, बटर लगा के या घी लगा के, तो बस इसको तवे पे गरम करिए और उस पर हल्का सा घी या बटर लगाइए एंड दे आर रेडी। तो हम क्विकली
अपना नान गरम करेंगे और यस हमारी पूरी मील तैयार हो जाएगी। तो मैं अब फटाफट अपने नान को गरम कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, और इसको फ़िलहाल हल्का सा गरम करके, ये वीर का ब्रांड का घी है। जी हाँ, ये पंजाब का बहुत ही फेमस घी है और ये यहाँ पे भी मिलता है और मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे और भी बहुत फेमस ब्रांड्स हैं जैसे कि बुरार, नानक, तो आप किसी का भी लेके यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल वीरका का घी मुझे पसंद है तो मैंने वीरका का घी लिया है, और मैं इसको हाथ से इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ठंडा था। ये सिजलिंग की आवाज़ जो आप सुन रहे हैं, ये जो हमारा नान है वो पक रहा है, मतलब ये पका हुआ है, ये ग्रिल हो रहा है। तो मैं इस पे हल्का सा और घी लगाऊंगी और इसका जो कलर आएगा दैट विल बी अमेजिंग, क्योंकि ये घी जो है वो बहुत ही पावरफुल। मीन्स मैंने दो तीन घी ट्राई किए हैं बट मुझे ये सबसे अच्छा लगता है। तो आप जब यहाँ पे आएंगे आप भी ट्राई करके देखिए आपको कौन सा पसंद आता है। ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आ गया है। तो हमारा नान ऑलमोस्ट तैयार है। मैं गैस बंद करूंगी और इसको मैं अपनी सर्विंग प्लेट में डालूंगी, और साथ में ये रही हमारी भुना हुआ चिकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लीव करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।